हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी एकदम ठीक हूँ अभी। और अभी ना वही दोपहर का टाइम हो रहा है, 12:15 का टाइम हो रहा होगा, 11:30-12 का टाइम। और मैं अभी जा रही हूँ अपना एक वीडियो शूट करने फ्रेंड्स, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी टाइम से आ रही थी। और रिक्वेस्ट करने वाले हैं वासु कुमार करके नाम है उनका। इस नाम से भी पहले कुछ था ना, वो अजीब सा था, मुझे नहीं आया पढ़ने में। तो वासु कुमार नाम है उनका, उनकी रिक्वेस्ट है। और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप साड़ी का लंबा घूंघट का वीडियो जो है डालें बनाकर। तो अभी फ़िलहाल आज मैं वही वीडियो डालने जा रही हूँ कि जब हम साड़ी पहनते हैं तो और हम अगर ससुराल में हैं और हमें घूंघट करना है तो हम किस तरीके से घूंघट कर सकते हैं। तो मैंने 2-3 स्टाइल बताए, हालांकि उन्होंने मुझे लॉन्ग घूंघट बोला था खाली कि लॉन्ग घूंघट वीडियो बनाएं, बट मैंने उसके अलावा भी 2-3 स्टाइल जो हैं वो बताए हैं आप लोगों को। तो आई होप कि वो आप लोगों को पसंद आए। तो अगर वीडियो पसंद आए ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और क्या कहते हैं कि आप लोग ना लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत करिए। और फटाफट अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे जो 1K है ना यार, फटाफट कंप्लीट हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्योंकि अभी ना वीडियो बनाने से पहले मुझे बनाना है अपने बालों का बन, क्योंकि क्या है ना कि अगर पल्ला करना है और क्या कहते हैं घूंघट करना है खासकर, तो उसके लिए हाई बन ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। उससे क्या होता है ना, जो हमारा साड़ी का जो पल्ला है ना वो बार बार सरकता नहीं है पीछे की तरफ, नहीं तो क्या है वो स्लिप करता रहता है पीछे की तरफ बार बार, और हमें बार बार ऐसे 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 करना पड़ जाता है। तो जिससे क्या होता है, मेरे बाल भी ख़राब होते हैं और काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, काम करने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए सबसे पहले चल रही हूँ, बनाऊँगी पहले मैं अपने बालों का बन और फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको अलग अलग स्टाइल की घूंघट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं अपने बालों को ऐसे ही नॉर्मली ऊपर करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पहले मैं अपने बालों का बन बना लूँगी टाइटली, जिससे कि ये खुले नहीं। और बन बनाने के बाद इसमें एक रबर बैंड या क्लेचर से इसे फिक्स कर लूँगी मैं। तो फ़िलहाल अभी मैं क्लेचर लगाने वाली हूँ। तो इसे ना पल्ला जो है लेने में काफ़ी आसानी हो जाती है, पल्ला बार बार सरकता नहीं है। तो फिर उसके बाद जब हम बन बना लेंगे ना, तो इस तरीके से पल्ले का एक सिरा लेकर हम इस तरीके से अपने सिर पे पल्ला ले लेंगे। तो पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है ये देखिए, और ये सरकता भी है ना, तो उसी पे जाकर वो अटक जाता है पल्ला, नीचे नहीं गिरता प्रॉपर पूरी तरीके से। तो ये देखिए फिलहाल, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अलग अलग स्टाइल में घूंघट। और तो अभी मेरा ये है पहला स्टाइल। तो पहले स्टाइल में नॉर्मली जैसे हम घर में रहते हैं, काम वगैरह करते हैं और घर में कोई बड़ा है सामने, तो हमें काम भी करना है, घूंघट भी करना है ना, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ना बहुत लंबा ना बहुत छोटा। तो ये है मेरा पहला स्टाइल, जिस तरीके से कि हम घूंघट कर सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स सब आप बताइएगा कैसा लगा। और अब है मेरा सेकंड स्टाइल, और सेकंड स्टाइल है मेरा साइड घूंघट का। जैसे कि अगर हमारे एक साइड में कोई बैठा हुआ है और हमें उसी तरफ से अगर अपना चेहरा ढकना है, पल्ला करना है, हम पूरा घूंघट नहीं करना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको। कहीं कहीं पर काना घूंघट भी कहा जाता है। तो ये है मेरा सेकंड घूंघट का स्टाइल। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सबको पसंद आ रहा होगा। और उसके बाद है मेरा थर्ड स्टाइल, ये देखिए।
ये फेस को आधा कवर करता है, जिसमें हमारा आधा फेस नीचे से हल्का हल्का सा दिखता रहता है ना, वो जैसे अभी अभी हमें कहीं चलना है या कुछ करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, जिससे हमें चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा घूंघट भी बना रहेगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर बैकग्राउंड से आप लोगों को कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स। तो और अभी है मेरा नेक्स्ट स्टेप, जिसके कि मुझे सबसे ज़्यादा डिमांड आई थी लंबे घूंघट की वीडियो के लिए, मुझे उसी की रिक्वेस्ट थी कि मैं लंबे घूंघट का वीडियो बनाऊं, मैम बनाओ आप। तो ये देखिए, लंबा घूंघट हम कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं, जो कि एक नई नवेली दुल्हन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो नई नवेली होती है ना, तो उसके ऊपर ये घूंघट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम लंबा घूंघट डाल सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स, अगर नई नवेली दुल्हन है तो उसके ऊपर तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने हर साइड से आप लोग को दिखाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, बताइएगा आप सबको जो आज का वीडियो है वो कैसा लगा, है अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा घूंघट वाला वीडियो, जिसकी रिक्वेस्ट आई थी, मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एक लंबा घूंघट साड़ी का जो है उसका वीडियो बनाइए। तो आज मैंने साड़ी में एक लंबा घूंघट जो था उसका वीडियो बनाया है। उसके अलावा मैंने और भी कुछ स्टाइल बताए हैं घूंघट के, कि हम लोग किस तरीके से घूंघट कर सकते हैं, अगर हमारे घर के बड़े हमारे साथ हैं या हमारे पास पास में कहीं हैं और हमें उनसे अपना मुंह ढांपना है, घूंघट करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो दो तीन तरीके स्टाइल हैं जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है फ्रेंड्स। तो आई होप कि वो सारे स्टाइल आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आप सबको कैसा लगा। तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल पर तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए फ्रेंड्स। तो ठीक है, मिलती हूँ मैं अपने अगले चैलेंज में आप लोगों से। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।